ड्रीम गर्ल। अपने जमाने में हेमा मालिनी कुछ इस कदर खूबसूरत थी कि जो कोई भी उन्हें देखता था अपना दिल दे बैठता था। बॉलीवुड के कई अभिनेताओं के साथ उनका नाम जुड़ा, लेकिन आखिरकार हेमा ने धर्मेंद्र को अपना जीवन साथी बनाया। हेमा मालिनी 11वीं क्लास में थी तभी उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे। पढ़ाई छोड़कर उन्होंने फिल्मों में अपना करियर बनाने के बारे में सोचा और सन 1974 के दौरान हेमा से सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि दो और दिग्गज अभिनेता प्यार कर बैठे। इन दो सितारों के नाम थे संजीव कुमार और जितेंद्र। संजीव कुमार हेमा से मन ही मन प्यार करते थे। संजीव कुमार ने अपने माता पिता को हेमा मालिनी के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेज दिया। हेमा की माँ ने कहकर रिश्ता करने से मना कर दिया कि उनकी बेटी की अभी शादी की उम्र नहीं है। उसके बाद संजीव कुमार ने अपने दोस्त जितेंद्र को हेमा के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेजा। जितेंद्र ने हेमा को समझाया, लेकिन हेमा ने जितेंद्र से कहा कि वो संजीव को पसंद तो करती है लेकिन शादी नहीं कर सकती। इस बारे में हेमा की ना सुनकर संजीव कुमार बेहद दुखी हो गए। खबरों की माने तो इस गम में संजीव शराब पीने लगे थे, इसके चलते उनकी सेहत भी काफी खराब रहने लगी। संजीव कुमार को मना करने के बाद जितेंद्र और हेमा मालिनी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। जितेंद्र भी हेमा से प्यार करने लगे। एक दिन उन्होंने हेमा को प्रपोज कर दिया। फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और हेमा ने साथ में काफी अच्छा समय बिताया। शूटिंग खत्म होने के बाद जितेंद्र अपने माता पिता को लेकर हेमा के घर पहुंच गए। दोनों के घर वाले आपस में बात कर रहे थे कि तभी धर्मेंद्र का फोन आया। उन्होंने हेमा पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि वो फैसला लेने से पहले उनसे मिले। जितेंद्र को लगा कि हेमा कहीं अपना फैसला ना बदल दे, इसलिए उन्होंने उसी दिन तिरुपति मंदिर में शादी करने का फैसला लिया। अभी हेमा इस बारे में सोच ही रही थी कि फिर से फोन की घंटी बजी। इस बार जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा का फोन था। उन्होंने जितेंद्र को अपने प्यार का वास्ता देकर शादी ना करने को कहा। इसके बाद जितेंद्र से हेमा की शादी नहीं हो पाई। सन 1976 में जितेंद्र ने शोभा से शादी की। अभी हेमा और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी अधूरी थी। हेमा के पिता को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। धर्मेंद्र का शादीशुदा होना उनके रिश्ते की बाधा बन रहा था। और सन 1976 में एक मैगजीन के दिए इंटरव्यू में हेमा ने कहा था कि वो धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर को बहुत पसंद करती है, लेकिन धर्मेंद्र के बिना नहीं रह सकती। प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को तलाक देने से मना कर दिया। बताया जाता है कि इस्लाम धर्म कबूल कर धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की। इसके बाद दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।